नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु गुप्ता। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। वन महोत्सव को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री ने TNV कॉलेज में किया वृक्षारोपण, घर में पौधा लगाने और जल संचय करने की अपील। प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने DRDA सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश। अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया राज्यव्यापी धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। भागलपुर BN कॉलेज में इग्नू की ओर से प्रवेश पूर्व परामर्श कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्रों की हुई काउंसलिंग। और तालाब में स्नान करने गए युवक की गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से शनिवार को TNB कॉलेज में 70वां वन महोत्सव आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी, प्रधान सचिव चंचल कुमार, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा, जिलाधिकारी प्रणव कुमार, जिला वन पदाधिकारी S सुधाकर, प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी और जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन साह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। आगत अतिथियों का स्वागत प्राचार्य ने पौधा और अंग वस्त्र देकर किया। इसके पूर्व सांस्कृतिक परिषद के छात्र छात्राओं ने कुलगीत और स्वागत गान की शानदार प्रस्तुति दी। वहीं वन महोत्सव को संबोधित करते हुए मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने पर्यावरण को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की जानकारी दी और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी गंभीर है। साथ ही मंत्री ने युवाओं से घर में पौधे लगाने और जल संचय करने की बात कही। इसके बाद मंत्री, कुलपति और सुल्तानगंज विधायक सुबोध राय ने TNB कॉलेज कैंपस में पौधारोपण किया और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे से निपटने के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने की अपील की। पौधारोपण करने के बाद मंत्री का काफिला सीधे TNB कॉलेज के टिशू कल्चर पहुंचा, जहां लैब के इंचार्ज डॉक्टर अजय चौधरी ने मंत्री, प्रधान सचिव, कुलपति और अन्य अधिकारियों को टिशू कल्चर में तैयार होने वाले विभिन्न प्रजाति के पौधे की जानकारी दी और बताया कि हर साल 2 लाख से अधिक बांस के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसके बाद मंत्री ने TNB कॉलेज के टिशू कल्चर लैब का मुआयना किया और प्रसन्नता व्यक्त की। इस दौरान मेयर सीमा शाह, SSP आशीष भारती, SDO आशीष नारायण, CT DSP राजभवन सिंह, डिप्टी मेयर राजेश वर्मा, FA पदमकांत झा, PRO डॉक्टर SD झा समेत विश्वविद्यालय के कई अधिकारी और शिक्षक मौजूद थे। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में शुरू किया है जल जीवन और हरियाली अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से जो वाटर लेवल हमारा नीचे जा रहा है, उस वाटर लेवल को हम कैसे रिटेन करें कि हमारे आने वाली पीढ़ी है तो आने वाले 10 वर्ष में और भयावह हो जाएगी अगर आज ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो उसके अभियान की शुरुआत उन्होंने किया है, जिसके माध्यम से हम जल संचय करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे, जो पुराने पैन थे, आहार थे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कुआं जो था उसको आइडेंटिफाई करेंगे और उस सबको रिस्टोर करेंगे। तो निश्चित रूप से जो आने वाली पीढ़ी है, जो जनसंख्या है हमारी है, उस जनसंख्या को पीने का जल मिले, उसके लिए ज़रूरी है कि हम इस अभियान को पूरी ताकत दें। और ये अभियान को सरकार के इस अभियान को ताकत तभी मिलेगा जब आम जनजीवन इस अभियान के साथ जुड़ेगा। भागलपुर वन प्रमंडल द्वारा TNB कॉलेज में 70वां वन महोत्सव समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलेज पहुंचने पर मंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। समारोह में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भूगर्भ जलस्तर काफी नीचे चला गया है और भागलपुर में भी वाटर लेवल की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में जल जीवन और हरियाली को बचाने के लिए पौधारोपण जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में जो परिस्थितियां हुई, आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा। मिथिला का जगह जहाँ पर दरभंगा मधुबनी का इलाका जहाँ पर सबसे ज्यादा वाटर बॉडी था, वहां पर भी इस बार जो हम लोगों का गर्मी का जो सीजन था मई जून का, वहां पर वाटर लेवल सबसे नीचे स्तर पर चला गया है। भागलपुर की जो स्थिति की आज DM साहब हम लोगों को सुबह में बता रहे थे कि भागलपुर शहर की जो पानी की स्थिति थी, जल की स्थिति थी, वो भी बहुत ही गंभीर थी। वाटर लेवल यहाँ पर भागलपुर में जो गंगा के किनारे में स्थित है, वहां पर भी वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया था। इसलिए हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश में जल जीवन और हरियाली अभियान की शुरुआत की है। वहीं TMBU के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा ने कहा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए छात्र, शिक्षक और कर्मचारी को एक एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। ये महोत्सव आज नया नहीं है, हमारे भारत में ये 60 सालों से मनाया जा रहा है। इसकी आवश्यकता है,
इसकी हम लोगों ने महसूस की कि इसे समाज को जागरूक करने के लिए बहुत ही तन मन से मिलके इसे सब मिलके एकजुट होके इसको कार्यान्वित करें, जिससे कि हमारा पृथ्वी जो सब तरफ से अच्छा और सुयोग सस्टेनेबिलिटी हम लोगों को प्रदान करेगा। जिला वन पदाधिकारी एस सुधाकर ने बताया कि वन महोत्सव 1 अगस्त से शुरू हुआ है जो 15 अगस्त तक चलेगा और भागलपुर में वन विभाग द्वारा 1,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो 17वां वन महोत्सव का आयोजन किया गया है इधर TNB कॉलेज में, इस पर जो है जो यहाँ का जो जिला का जो प्रभारी मंत्री महोदय भी अभी आने वाले हैं, तो उनके द्वारा जो है ये कार्यक्रम हो जाएगा। और इसमें इस कैंपस में आज लगभग जो है 1,000 पौधा लगाने का उद्देश्य है। और ये जो वन महोत्सव का कार्यक्रम 1 अगस्त से शुरू हुआ है, 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हम लोग मनाना है। उसमें पूरे राज्य में हम लोग 1 करोड़ से अधिक पौधा लगाएंगे। अब इस जिला में वन विभाग का द्वारा जो है 1,00,000 पौधा जो है इस सीजन में लगेगा। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार चौधरी ने कहा कि कैंपस में 6,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। कार्यक्रम 17वीं वन महोत्सव है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की इच्छा है कि भारत हरा भरा रहे, जिससे पर्यावरण भारत का इफेक्टिव ना हो, उसी दिशा में TNB कॉलेज में वन महोत्सव आज होना है, जिसमें TNV कॉलेज में 6,000 वृक्षारोपण किया जाएगा पौधा का। समारोह में मारवाड़ी कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर गुरुदेव पोद्दार, बर्सर संजय कुमार झा, प्रोफेसर राजीव कुमार सिन्हा, प्रोफेसर DN राय, डॉक्टर मनोज कुमार समेत कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद थे। भागलपुर DRDA सभागार में शनिवार को बिहार सरकार के भवन निर्माण सह जिले के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने जिले के सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने भवन निर्माण विभाग समेत तमाम विभागों में चलाई जा रही विकास योजनाओं की समीक्षा की और बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश सभी अधिकारियों को दिया। मंत्री एवं प्रधान सचिव चंचल कुमार ने जिला अधिकारी प्रणव कुमार से बाढ़, सुखाड़, जल जीवन हरियाली योजना, मनरेगा, नगर निगम में चलाई जा रही योजनाओं, सुरक्षा, शराबबंदी समेत कई योजनाओं की जानकारी ली और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आम लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश दिया। बैठक में विधायक सुबोध राय, पीरपैथी विधायक रामविलास पासवान, MLC मनोज यादव, SSP आशीष भारती, मेयर सीमा शाह, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन सार, DDC सुनील कुमार, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। समान काम समान वेतन सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति की ओर से राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। भागलपुर के जिला स्कूल परिसर स्थित प्रखंड संसाधन केंद्र में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के प्रति नाराजगी व्यक्त की। वहीं नौगछिया में शिक्षकों ने समान काम समान वेतन सहित अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। धरना का संचालन कर रहे नरेश प्रसाद यादव ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आंदोलन तेज किया जाएगा। वहीं नाथनगर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिक्षकों ने वेतन निर्धारण की विसंगतियों को दूर करने, समान शिक्षा प्रणाली लागू करने की मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार से की। वहीं बांका के अमरपुर प्रखंड मुख्यालय में शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध जताते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान शिक्षकों ने अविलंब सरकार से मांग पूरी करने की बात कही। वहीं बांका के चांदन प्रखंड मुख्यालय में शिक्षकों ने अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में शिक्षक मौजूद थे। भागलपुर VN कॉलेज में शनिवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से प्रवेश पूर्व परामर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने की। कार्यक्रम में इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर सरहा नसरीन ने छात्र छात्राओं को इग्नू में प्रवेश की जानकारी दी और कहा कि जो छात्र कॉलेज में नियमित रूप से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए इग्नू पढ़ाई का एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। वहीं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के CCDC प्रोफेसर KM सिंह ने कहा कि कामकाजी लोगों के लिए इग्नू से पढ़ाई करना आसान है, जबकि स्वयं एवं स्वयं प्रभा कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अमित किशोर ने छात्रों की काउंसलिंग करते हुए कहा कि इग्नू में सीट की बाध्यता नहीं होती है। इस अवसर पर स्वयं प्रभा कोर्स की जानकारी भी छात्रों को दी गई। प्रवेश पूर्व परामर्श कार्यक्रम में डॉक्टर फिरोज आलम, अनुपम आनंद वर्धन, डॉक्टर अजिताभ दत्ता समेत कई शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्रा मौजूद थे। आज रीजनल ऑफिस इग्नू के द्वारा मेरे कॉलेज में वैसे छात्र जिन्होंने ऑनलाइन के लिए अप्लाई किया था और उनका नामांकन किसी भी कॉलेज में 3rd लिस्ट तक नहीं हो पाया,
तो वैसे बच्चे या उसके अतिरिक्त भी जो बच्चे हैं उन्हीं के लिए इग्नू ने और हमारे टीएम भागलपुर यूनिवर्सिटी के सीसीडीसी साहब ने एक प्रोग्राम रखा है ये कि उसमें बच्चों को ये बताया जाए कि वो ऐसे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं और किस तरह से वो डिस्टेंस मोड में एजुकेशन पा सकते हैं जिसका कि रेगुलर मोड में कहीं भी एडमिशन नहीं हुआ या जिसका रेगुलर मोड में एडमिशन हो भी गया है तो वो अगर कोई भी डिप्लोमा या और भी कोर्स है उसको वो डिस्टेंस मोड में अगर चाहें तो उसको वो ऑप्ट कर सकते हैं। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्नान करने के दौरान तालाब में डूबने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक किशोर की पहचान नया टोला बैजानी निवासी चौधरी यादव के 15 वर्षीय पुत्र अखिलेश यादव के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि शनिवार की सुबह मृतक अखिलेश घर के समीप पोखर में स्नान करने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में डूब गया, जिसके बाद तालाब के समीप खेल रहे बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मृतक के शव को तालाब से बाहर निकाला। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए सिल्क टीवी। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए लेकर आए हैं प्लॉट्स आसान मासिक किस्तों पर। स्टेट हाईवे के पास गोनूधाम और जगदीशपुर में 14,000 और 18,000 की आसान किस्तों पर। ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज सिकंदरपुर नियर पानी टैंकी भागलपुर। मोबाइल नंबर 7079446584 8430075573। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त भागलपुर जिले का प्रतिष्ठित ताड़र महाविद्यालय ताड़र में सत्र 2019-20 के लिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट कोर्स में नामांकन जारी है। आज के इस अत्याधुनिक युग में कंप्यूटर की जानकारी विशेषकर छात्रों में रोजगार परक साबित हो रही है। इस कोर्स में बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट, एमएस ऑफिस, वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट शामिल है। नित नई सफलता प्राप्त कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह द्वारा छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालय में अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, सुसज्जित पुस्तकालय एवं एक्सपर्ट शिक्षकों की संपूर्ण व्यवस्था की गई है जो छात्रों को संबंधित कोर्स में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सके। इच्छुक छात्र छात्राएं 25 जुलाई से महाविद्यालय से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या मोबाइल नंबर 9431689547 या 7979051039 पर संपर्क कर सकते हैं। भागलपुर के कलगांव में श्री बाबा बटेश्वर नाथ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि श्री बाबा बटेश्वर नाथ पहुंचकर आयोजन को सफल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे सिल्क टीवी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने शनिवार को आदमपुर स्थित स्कॉट भवन परिसर में प्रस्तावित 2 कमरे के नए भवन निर्माण का शिलान्यास वैदिक मंत्रोच्चार के बीच किया। योजना एवं विकास विभाग के मद से 14,50,000 की राशि से 2 कमरों का निर्माण होगा, जिसमें स्कॉट एंड गाइड के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण में सुविधा मिल सकेगी। इस दौरान समारोह का आयोजन भी किया गया जिसमें स्कॉट परिवार की ओर से विधायक का स्वागत किया गया और स्कॉट एंड गाइड के महत्व एवं कार्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते यह उनकी जिम्मेदारी है कि वह छात्र छात्राओं एवं आमजन की सुविधा का ख्याल रखे और सरकार द्वारा निर्गत की गई राशि का उचित लाभ सबको मिले। उन्होंने कहा कि ये जनता की संपत्ति है और बच्चों को कमरे की कमी के कारण काफ़ी परेशानी होती है और कमरे के निर्माण के बाद बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान विधायक ने परिसर का निरीक्षण किया और स्कॉट गाइड की टीम द्वारा देश के लिए सेवा भावना से कार्य करने की बात कही। विधायक ने जहां बच्चों के अनुशासन एवं सेवा भाव की सराहना की, वहीं छात्र छात्रा विधायक को अपने बीच पाकर काफी उत्साहित दिखे। मैं पृथ्वी स्कॉट एंड गाइड्स के जो बच्चे बच्चियां हैं वो पूरे देश में सभी जगह किसी आपदा की स्थिति हो पूरी जनता के लिए सेवा भावना से लोग काम करते हैं। इन लोग को कमरे की कमी थी,
ताकि प्रशिक्षण बढ़िया तरीके से हो सके, उसके लिए इन लोगों ने आग्रह किया और हमने इसको बनवाने का शुरू करने का काम किया हूँ। या मैं इसलिए किया हूँ कि स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे देश में देश की सेवा करते हैं, उन लोगों को भी शुभकामना देनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद विरसा सेवा प्रकल्प की ओर से शनिवार को साजंगी पंचायत के गंगोता मैदान में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन प्रांतीय सह संगठन मंत्री चितरंजन ने नारियल फोड़कर किया। इस दौरान महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विरसा सेवा प्रकल्प की ओर से 2 सिलाई मशीन प्रदान की गई है, जिसमें स्थानीय ट्रेनर सोनी देवी के द्वारा महिलाओं को सिलाई कटाई का प्रशिक्षण लगातार 3 माह तक दिया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन मंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर महिलाएं सीधे स्वरोजगार से जुड़ जाएगी। इस मौके पर सुमित जिलों का मनीष बिहारी अशोक मंडल सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद थी। भागलपुर के इंटर स्तरीय झुंझुनबाला आदर्श बालिका विद्यालय में शनिवार को समारोह पूर्वक बिहार शिक्षा परियोजना उन्नयन कार्यक्रम के तहत स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया गया। समारोह का उद्घाटन नगर विधायक अजित शर्मा ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान विधायक ने रिमोट दबाकर स्मार्ट क्लास का शुभारंभ किया और सभी छात्राओं को स्मार्ट क्लास के माध्यम से बेहतर शिक्षा ग्रहण करने की बात कही। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत छात्राओं द्वारा स्वागत गान गाकर की गई, जबकि इसके अलावा भी छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। स्मार्ट क्लास के शुभारंभ से स्कूल के शिक्षकों के साथ मौजूद सभी छात्राएं काफी उत्साहित दिखी और कार्यक्रम का आनंद लिया। इस मौके पर पार्षद संजय सिन्हा, अशोक जिब्राजिका, प्रधानाचार्य जीबू मंडल, सुनीता कुमारी, सबनम कुमारी, दामोदर मंडल, दीक्षा चौधरी समेत स्कूल के कई शिक्षक शिक्षिका एवं भारी संख्या में छात्राएं मौजूद थी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विभास चंद्र झा से रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान रजिस्ट्रार ने कुलपति का बुके देकर स्वागत किया और कई बिंदुओं पर चर्चा की। हम आपको बता दें कि कुलपति के पदभार ग्रहण करने के पूर्व ही रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह छुट्टी पर चले गए थे। भागलपुर असानंदपुर स्थित इंटर स्तरीय उर्दू गर्ल्स स्कूल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। भाषण प्रतियोगिता का विषय था माँ का दूध अमृत। प्रतियोगिता में 1 दर्जन से अधिक छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पहला स्थान आयशा इलियास, द्वितीय रशीदा खातून, जबकि तृतीय स्थान आयशा सिद्दीकी ने प्राप्त किया। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर वर्षा सिन्हा ने कहा कि माँ का दूध बच्चों के लिए वरदान है, इसे ना गर्म करने की जरूरत पड़ती है और ना ही उबालने की। डॉक्टर सैफाली और किलकारी की गीता यादव ने बताया कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को खान पान पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर सविया फैज ने की। मौके पर डॉक्टर जीनत परवीन, नीमा जैन, मांडवी झा समेत कई शिक्षिका मौजूद थी। हम लोग वही काम करना चाहते हैं जो बहुत आसानी से हो जाए, जिसमें मेहनत नहीं लगे और जिसमें खर्च भी कम हो, पैसा भी बचे। तो क्यों नहीं हम लोग इसको एक दूसरे एंगल से देखें। ठीक है, माँ का दूध हम जानते हैं, अमृत समान है, पिलाना है, करना है, सब कुछ है, ये अपनी जगह है, ये सभी लोग जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी करते हैं, जो नहीं करते हैं बातें सुन सुनकर इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर इस पर हम ध्यान दें तो अगर कोई माँ एक गरीब हो या अमीर हो, कोई बात नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर इस आस्पेक्ट को देखें, क्या खर्च लगा दूध पिलाने में? कुछ भी नहीं, नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट है? कुछ भी नहीं। और रेगुलरली बच्चे को दूध मिलना है, उसी कंपैरिजन में 70वें वन महोत्सव पर TNB कॉलेज राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में पौधारोपण अभियान चलाते हुए वन विभाग के कार्यों में सहयोग किया। NSS के छात्रों ने कॉलेज कैंपस में 1000 पौधे लगाए और लोगों से पर्यावरण को दूषित नहीं करने की अपील की। NSS के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर अनिरुद्ध कुमार और डॉक्टर सुमन कुमार ने बताया कि वन विभाग द्वारा कॉलेज में 6000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें NSS इकाई सहयोग करेगी। वहीं विश्वविद्यालय के NSS समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो ने कहा कि राजभवन परिसर हरा परिसर अभियान को लेकर सख्त है। पौधारोपण कर रहे NSS के छात्र मिथुन कुमार यादव ने युवाओं से अपने आसपास पौधा लगाने की अपील की। प्रवाह वन महोत्सव के अवसर पर हम लोगों को पौधा मिला है जो पेड़ और कॉलेज कैंपस में लगाना है, और युवा को संदेश देंगे कि वो अधिक से अधिक पेड़ लगाए और पर्यावरण संरक्षण को बचाए। चलते चलते एक नजर डालते हैं फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्सीमीन ग्रुप ऑफ कंपनीज प्लॉट आसान मासिक किस्तों पर। वन महोत्सव को लेकर जिले के प्रभारी मंत्री ने TNB कॉलेज में किया वृक्षारोपण, घर में पौधा लगाने और जल संचय करने की अपील। प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने DRDA सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, विकास योजनाओं में तेजी लाने के दिए निर्देश।
अपनी मांगों को लेकर शिक्षकों ने दिया राज्यव्यापी धरना, मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। भागलपुर बीएन कॉलेज में इग्नू की ओर से प्रवेश पूर्व परामर्श कार्यक्रम का हुआ आयोजन, छात्रों की हुई काउंसलिंग। और तालाब में स्नान करने गए युवक की गहरे पानी में डूबने से हुई मौत। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।